어제 왔습니다. शौर्य टीवी के अननोन राजपूत वॉरियर्स सीरीज की शुरुआत हम नैन सिंह रावत की कहानी से कर रहे हैं, जिनका जन्म आज से 191 साल पहले एक राजपूत परिवार में हुआ था। नैन सिंह ने जो किया था वह इंसानी हौसले की असाधारण मिसाल था और हमेशा रहेगा। इससे पहले कि हम पंडित नैन सिंह रावत की कहानी शुरू करें, आप शौर्य टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको देश के राजपूताना का ऑथेंटिक अपडेट मिलता रहे। 19th सेंचुरी की शुरुआत में अंग्रेजों ने ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नक्शा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाना था। लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या सिल्क रूट के प्रॉपर नक्शे के रूप में आई। सिल्क रूट वो रास्ता था जिससे एशिया में सर्वाधिक व्यापार होता था। नक्शे में मुख्य समस्या तिब्बत को लेकर थी, क्योंकि उस समय हिमालय के आगे तिब्बत का क्षेत्र विदेशियों के लिए वर्जित था और वहां अवैध घुसपैठियों को मौत की सजा दी जाती थी। अंग्रेजों ने सोचा कि तिब्बत जाने का काम क्यों न किसी सीमावर्ती क्षेत्र के निवासी को दिया जाए, जो कि भेष बदलकर वहां जाए और जरूरी भौगोलिक जानकारियां इकट्ठा करे। तब उत्तराखंड के 33 वर्षीय हेडमास्टर पंडित नैन सिंह रावत ने ये जिम्मेदारी ली। वैसे तो नैन सिंह रावत का जन्म उत्तराखंड के कुमायूं के एक राजपूत परिवार में हुआ था। चूंकि वो एक टीचर थे, इसलिए उनके नाम से पंडित शब्द भी जुड़ गया। तिब्बत के नक्शे के लिए नैन सिंह रावत की अगुवाई में उनके भाई के साथ कुल 5 लोगों की टीम बनाई गई। 1863 में नैन सिंह रावत ने यह अत्यंत कठिन एक्सपेडिशन अपने पैर में रस्सी बांधकर शुरू किया। पैरों में रस्सी इसलिए बांधी गई क्योंकि वो दूरी नापने का कोई भी यंत्र इस्तेमाल करते तो शक की गुंजाइश थी। उनके पैर में बांधी गई रस्सी की लंबाई 31.5 इंच थी और उन्हें हर कदम बराबर दूरी पर रखना था। रास्ता चाहे कितना भी खराब हो, इसके साथ ही उनको एक माला भी दी गई थी जिसमें कुल 100 दाने थे। 100 कदम पूरा करते ही सर्वेयर माला का एक दाना आगे खिसका देते थे, यानी कि 100 दानों की माला का फेरा पूरा होते ही ये सर्वेयर 10,000 कदम चलकर ठीक 5 मील की दूरी तय करते थे। कल्पना करिए कितना कठिन काम था, वो भी हिमालय की दुर्गम पहाड़ों पर। नैन सिंह ने पानी के बॉइलिंग प्वाइंट के बेसिस पर लहासा की ऊंचाई समुद्र तल से 3,240 मीटर बताई थी। तो इस तरह महान राजपूत नैन सिंह अपने भाई किशन सिंह के साथ उन दुर्गम इलाकों की दूरी और ऊंचाई नापते हुए आगे बढ़ रहे थे। लामा के भेष में तिब्बत पहुंचे नैन सिंह की गणनाएं आज भी मशीनों से की जाने वाले कैलकुलेशन के नजदीक ही है। नैन सिंह की इस यात्रा को आप एक नायाब जासूसी कारनामा भी कह सकते थे। उन्हें साफ इंस्ट्रक्शन था कि वो तिब्बत की इस यात्रा में कुछ लिख कर नहीं रखेंगे, इसलिए उन्होंने इन गणनाओं को कविता में बदलकर कंठस्थ किया। तो इस तरह नैन सिंह और उनके चचेरे भाई मानी सिंह 1865 में काठमांडू होते हुए तिब्बत में दाखिल हुए थे और 12 मील पैदल चलकर अपना पहला अभियान खत्म कर 1866 में वापस लौटे। इसके बाद 1867 से उन्होंने अपने दूसरे अभियान में पश्चिमी तिब्बत का भौगोलिक सर्वे किया। नैन सिंह का आखिरी सफर 1874 से 75 लेह से लहासा होते हुए तवांग में खत्म हुआ। वे पहले व्यक्ति थे जो सांगपो नदी के साथ 800 किलोमीटर पैदल चले। उन्होंने ही दुनिया को बताया कि सांगपो और ब्रह्मपुत्र नदी एक ही है। नैन सिंह रावत ने ही सतलज और सिंधु नदियों के उद्गम भी खोजे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि नैन सिंह रावत जब 16 साल तक घर नहीं पहुंचे तो घर वालों ने उन्हें मृतक मान लिया था, लेकिन उनकी पत्नी को विश्वास था कि वह जरूर लौटेंगे। इसलिए वह क्षत्राणी हर साल उनके लिए ऊन काटकर एक कोट और पैजामा बनाती थी, और जब 16 साल बाद वह वापस लौटे तो पत्नी ने उन्हें एक साथ 16 कोट और पैजामे भेंट किए। नैन सिंह ने अक्षांश दर्पण और इतिहास रावत कौन नाम से 2 पुस्तकें भी लिखी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नैन सिंह के ऊपर एक फिल्म बनाने की बात चल रही है, जिसमें मेन लीड में टाइगर श्रॉफ होंगे। उनकी यात्रा का विवरण दुनिया भर के खोजकर्ताओं के लिए गीता के समान है। भारत सरकार ने उनकी याद में एक डाक टिकट भी जारी किया। लेकिन उनकी महानता और उपलब्धियों के आगे यह सब कुछ भी नहीं।
शौर्य टीवी नैन सिंह रावत की अदम्य वीरता और आत्मविश्वास को सैल्यूट करता है।